चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक घटनाचक्र वार्षिकांक के बारे में, ई दृष्टि निकालता है इसे। और आप याद रखिए कि यूपीपीसीएस जब भी प्रीलिम्स होता है उसी समय ये निकलती है आपकी। लेकिन याद रखना कि ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है बुक्स, ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस के लिए ही केवल बुक्स लिखी गई हो, ठीक है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का महत्व कितना बढ़ चुका है। आप लोग क्वेश्चंस उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अधिकतर क्वेश्चंस आप करंट से जुड़े ही मिलते हैं। तो इसीलिए तो कहता हूं कि आप अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय समय पर आप लोग क्या किया करिएगा कि इसे कवर करते रहा करिएगा, ठीक है। करंट में जैसे एक न्यूज पेपर हो गया, राज्यसभा लोकसभा टीवी चैनल हो गए आपके, पीआईबी हो गई, और भी जो आप कर सकते हैं। देखिए, हिंदी के लिए कई बच्चे कहते हैं कि वो द हिंदू, द हिंदू अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो द हिंदू पढ़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी तगड़ी नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप द हिंदू पढ़ने लायक स्थिति में हो। तो 2 से 3 4 घंटे उसमें मत कपाइए। आप लोग कोई भी जनसत्ता, दैनिक जागरण, ठीक है, इस तरह की जो भी देखिए नई दिल्ली जो एडिशन रहता है उसी को पढ़ लिया करिएगा। और आप देख रहे हैं आप लोग कि कई ऐसे भी टीचर आ चुके हैं कि वो आपका द हिंदू का हिंदी में भी कुछ बता देते हैं, तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आप खुद जानिए कि अगर आप, हम कोई भी हो, अगर द हिंदू को अच्छे से पढ़ने बैठे तो 10 से 12 घंटे उसी में लग जाएंगे, क्योंकि हम आपकी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है कि हम लोग आपको इतना मतलब बेहतर तरीके से पढ़ सकें। तो इसे दिखावे के लिए मत किया करिएगा, कोई भी न्यूज पेपर एक फॉलो करिए, आपको जानकारी रहनी चाहिए। बाकी दृष्टि आईएएस बढ़िया कर रहा है, आप देखते हैं कि डेली का डेली कुछ ना कुछ उपलब्ध करवा देता है, ठीक है, आर्टिकल जो भी आते हैं। तो चलिए, हम लोग क्रिकेट तक देख चुके थे खेल परिदृश्य में आपका, अब हॉकी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये याद रखिए, आपकी ये जो समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक है, इसकी ये लास्ट क्लास है। इस क्लास के साथ खत्म होने के बाद पूरी बुक्स आपकी कवर करवा दी गई है, और समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी क्रम से क्लासें डली हुई हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी इसका एक पूरा मर्ज करवा दूंगा सब, और आपको उपलब्ध करवा दूंगा। हॉकी, हॉकी की बात करें तो 54वां अखिल भारतीय बॉम्बे गोल्ड कप मुंबई में संपन्न हुआ है। कहां? मुंबई में। कब से कब हुआ है? ये 6 से 12 फरवरी 2020 के मध्य हुआ है। डेट नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कहाँ हुआ है, किस नंबर का था, और कौन विजेता रहा, कौन उपविजेता रहा, इसी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये 54वां अखिल भारतीय बॉम्बे गोल्ड कप था, मुंबई में संपन्न हुआ। इसमें विजेता रहा है भारतीय नौसेना, पहला खिताब है भारतीय नौसेना का। और उपविजेता रहा है दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, ठीक है। प्रतियोगिता में प्रदत्त पुरस्कारों की बात करें तो बेस्ट डिफेंडर जसपाल सिंह भारतीय नौसेना से संबंधित है, बेस्ट मिडफील्डर आकिब रहीम भारतीय नौसेना से संबंधित हैं, बेस्ट फॉरवर्ड अंजिक जाधव भारतीय नौसेना से संबंधित हैं, बेस्ट गोलकीपर की बात करें तो सुशांत तिर्की के दक्षिण मध्य रेलवे से संबंधित हैं। फिर आपने सुना होगा कि भारतीय हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई हुई है। भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2021 हेतु क्वालिफाई है, 2 नवंबर 2019 की खबर है। और याद रखिए, आपकी 2021 में जो ओलंपिक होगा ए, इसमें दोनों हमारे जो पुरुष खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी दोनों चुने गए। भुवनेश्वर में आयोजित FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स में भारतीय पुरुष टीम ने रूस को पराजित कर वर्ष 2021 के ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता प्राप्त की। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने अमेरिका को पराजित कर टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की है। तो महिलाओं ने अमेरिका को पछाड़ दिया एक तरह से, याद रख सकते हैं आप लोग, और पुरुषों ने रूस को, समझ रहे हैं, एक समय के वहां बहुत शक्तिशाली देश हुआ करते थे रूस, आप समझ रहे हैं, अमेरिका। यहां तक कहा जाता था कि अमेरिका को सर्दी होती है तो दुनिया को, एक तरह से अमेरिका को छींक आती है दुनिया को सर्दी हो जाती है, इतना शक्तिशाली था। तो चलिए, अच्छी बात है कि महिलाएं पुरुष दोनों अपने अपने आगे बढ़ रहे हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2019 हुआ है, तो पुरुषों की इस अंडर 21 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का 9वां संस्करण मलेशिया में संपन्न हुआ 12 से 19 अक्टूबर 2019 के मध्य। प्रतिभागी टीमें रही 6, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, मलेशिया।
याद रखिए 2020 में कुछ ज्यादा हो भी नहीं पाया कोरोना महामारी के कारण, तो 2019 की मुझे लगता है करंट इस बार पूछेगा, ठीक है? तो आप लोग जरूर इन्हें अच्छे से देख लें। वैसे आपका 2019 की जो बुक्स आई थी उसे भी हम लोगों ने कवर किया था, तो उसे जाकर भी आप लोग देख सकते हैं अगर टाइम है आपके पास। तो प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो इसमें स्वर्ण पदक ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है, तीसरा किताब है ग्रेट ब्रिटेन का। रजत पदक की बात करें भारत ने जीता है, कांस्य पदक मलेशिया। भारत के बारे में जरूर याद रखिए। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किए? सलानंद लाखना ने, भारत के हैं 5 गोल। फेयर प्ले अवार्ड न्यूजीलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ओलिवर पेंट ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ऑल इंडिया एमसीसी गुरुगप्पा गोल्ड कप 2019 की बात करें तो 93वें संस्करण का फाइनल चेन्नई में संपन्न हुआ है, 8 सितंबर 2019 की बात है। विजेता रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, 3-1 से जीता है इसमें, और विजेता कौन रहा है? पंजाब नेशनल बैंक। अब बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित कुछ घटनाएं 2019-20 की हैं उन्हें भी देख लेते हैं। यूईएफए यूरोपा लीग 2019-20 तो ये कहाँ हुआ है? कोलोन कोलोन जर्मनी में हुआ है। कहाँ? जर्मनी में। 21 अगस्त 2020 की बात है। इसमें विजेता कौन रहा है? सेविला एफसी, 3-2 से छठा खिताब इन्होंने जीता है, इनका छठा खिताब है, और विजेता रहा है इंटर मिलान, ठीक है? फिर आप देखेंगे फ्रेंच लीग कप 2019-20 तो फ्रांस की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई है, 31 जुलाई 2020 की बात है। विजेता कौन रहा है इसमें? पेरिस सेंट जर्मन, इसका 9वां खिताब है, और विजेता लियोन रहा है, ठीक है? एफए कप 2019-20 की बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक एफए कप का 139वां संस्करण लंदन में संपन्न हुआ है, 1 अगस्त 2020 की घटना है। विजेता की बात करें तो अर्सेनल फुटबॉल कप 2-1 से जीता है इन्होंने, ये 14वां खिताब है इसका, ठीक है? उपविजेता की बात करें तो चेल्सी फुटबॉल कप इसमें उपविजेता रहा है। पर आप देखेंगे यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 तो ये 65वां संस्करण लिस्बन पुर्तगाल में संपन्न हुआ है, 24 अगस्त 2020 की घटना है। विजेता कौन रहा है? बायर्न म्यूनिक, और उपविजेता रहा है पेरिस सेंट जर्मन। फीफा रैंकिंग 2020 की बात करें तो विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा द्वारा पुरुष से फुटबॉल की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है 16 जुलाई 2020 को। रैंकिंग में बेल्जियम 1765 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, 1765 अंकों के साथ टॉप पर रहा है बेल्जियम। कौन सा? बेल्जियम। भारत 1187 अंकों के साथ रैंकिंग में 108वें स्थान पर है। हमारा नंबर कितना है? 108वां। आप ये कहिए कि कोई खास हमारी स्थिति नहीं रही। रैंकिंग में 5 देशों की बात करें तो बेल्जियम 1765 के साथ पहले नंबर पर, फ्रांस की बात करें दूसरे नंबर पर 1733, ब्राजील इसमें आपको देखने को मिलेगा 1712 तीसरे नंबर पर, इंग्लैंड 1661 चौथे, उरुग्वे 1645 पांचवे। पर आपने तो सुना होगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 हुआ है, सर्वाधिक अंकों के आधार पर लिवरपूल ने खिताब अपने नाम किया है, जून 2020 में हुआ। याद रहे कि लिवरपूल का यह प्रथम इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब है। प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाला लिवरपूल 7वां इंग्लिश क्लब भी है, 7वें नंबर का। पर आपने सुना होगा कि हीरो आई लीग 2019-20 आई लीग का 13वां सत्र आधिकारिक रूप से संपन्न हुआ है, 18 अप्रैल 2020 की बात है। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन जारी रहने की परिस्थिति बस इस प्रतियोगिता के 23 मैच नहीं खेले जा सके और उन्हें रद्द कर दिया गया। अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने रहे मोहन बागान, 16 मैचों में 39 अंक को विजेता घोषित किया गया है, मोहन बागान को याद रखना। फिर आप देखेंगे ऐसे FFU 18 यानी कि अंडर 18 चैंपियनशिप 2019 तो तीसरा संस्करण हुआ है, काठमांडू नेपाल में हुआ है, काठमांडू नेपाल में, और 20 से 29 सितंबर 2019 के मध्य हुआ है। इसमें आपकी 6 टीमों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें तो विजेता भारत रहा है, पहला खिताब है भारत का, वो विजेता रहा है आपका बांग्लादेश। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल की बात करें तो तनवीर हुसैन बांग्लादेश, कोएसल ए अहमद फहीम ए बांग्लादेश, गुर की कीरत सिंह भारत के, प्रत्येक ने 2-2 गोल किए हैं, तो आपके गुर कीरत सिंह भारत के भी शामिल हैं। पर आपने देखा होगा कि 25वीं सीनियर महिला
राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20 तो अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुई है। कब? 10 से 24 सितंबर 2019 की खबर है। इसमें विजेता मणिपुर, और मणिपुर का ये 20वां खिताब है। किस नंबर का खिताब है? 20 नंबर। और विजेता कौन रहा है? रेलवे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किए हैं? बाला देवी ने, मणिपुर की है। 21 गोल किए हैं इन्होंने। कितने? 21 गोल। फिर आपने सुना होगा सुब्रतो कप 2019, हीरक जयंती संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगस्त सितंबर की बात है 2019 की। प्रतियोगिता परिणाम में अगर हम लोग परिणाम की बात करें तो अंडर 14 बालक वर्ग में सैडन सेकेंडरी स्कूल मिजोरम को, और उपविजेता रही है यूनिक मॉडल एकेडमी मणिपुर को, ठीक है। और अंडर 17 की बात करें, 17 बालक वर्ग में तो होपवेल एलियास हायर सेकेंडरी स्कूल मेघालय को मिला है। उपविजेता की बात करें तो क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान बांग्लादेश को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बैडमिंटन की 2019-20 में जो भी घटनाएं हुई है उन्हें भी देख लेते हैं। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 की बात करें तो पांचवें संस्करण का फाइनल हैदराबाद में संपन्न हुआ है। ये 9 फरवरी 2020 की बात है। कब की? 9 फरवरी 2020 की। पांचवा संस्करण है, हैदराबाद में हुआ है। परिणाम की बात करें तो बेंगलोर शेप्टर्स लगातार दूसरा खिताब जीता है और वो विजेता रहा है नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स, ठीक है। फिर आपने सुना होगा कि थाईलैंड मास्टर्स 2020 भी हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ है। 21 से 26 जनवरी 2020 की खबर है। और पुरुष एकल में इसमें एक एंग कालांग हांगकांग ने जीता है, विजेता रहा है, और उपविजेता रहा है केंटा निशिमोतो जापान। फिर आपका मलेशिया मास्टर्स 2020 एक क्वालालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ है, 7 से 12 जनवरी 2020 की बात है। और विजेता इसमें रहा है केंटो मोमोता जापान का, उपविजेता रहा है विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क का। फिर आप देखेंगे प्रेसिडेंट कप नेपाल जूनियर इंटरनेशनल सीरीज 2020 नेपाल में संपन्न हुई है, 8 से 12 जनवरी 2020 की खबर है। पुरुष एकल में विजेताओं की बात करें अंडर 19 की तो मेराबा लुवांग भारत के विजेता रहे, वो विजेता है प्रिंस दहल नेपाल के हैं। महिला एकल U19 की बात करें तो इसमें तस्नीम मीर भारत की है, लेत्साना करुपथीवा ये मलेशिया की है। तो एक तरह से आप कहिए कि दोनों में आपके भारतीय ही रहे हैं, पुरुष में भी मतलब बालक में भी, उसमें अंडर 19 में मेराबात लुवांग ये कहाँ के हैं, लुवांग ये भारत की, और तस्नीर मीर ये भारत की है, ठीक है। महिला में अच्छी बात है, आजकल आप देख रहे होंगे कि महिलाएं भी बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं और कई जगह तो आपको भी मात दे रही हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है, 14 से 19 जनवरी 2020 की बात है। इसमें विजेता रहे एंथोनी सिनी सुका ग्रेटिंग इंडोनेशिया के, और विजेता रहे एंडर्स एंटोन सैन डेनमार्क के, ठीक है। फिर आप देखेंगे BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019 चीन में संपन्न हुआ है, 11 से 15 दिसंबर 2019 को। पुरुष एकल में केंटो मोमोता जापान के इसमें विजेता रहे, और विजेता रहे एंथोनी सिनी सुका ग्रेटिंग इंडोनेशिया के। महिला एकल की बात करें तो चैन यूफेई ये चीन की विजेता रही हैं, और उपविजेता रही हैं ताई तिजू यिंग चीनी ताइपे, ठीक है। पर आप देखेंगे सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 लखनऊ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है, 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2019 के मध्य। पुरुष एकल में विजेता रहा है वांग तिजू वेई ये चीन ताइपे, उपविजेता सौरभ वर्मा भारत के, उपविजेता को याद रखिए, ठीक है। महिला एकल की बात करें कैरोलिना मारिन स्पेन की, और उपविजेता पी चाइवान थाईलैंड। फिर आपने देखा होगा कि योनेक्स डच ओपन 2019 भी हुआ है, ये नीदरलैंड में संपन्न हुआ है, 18 से 13 अक्टूबर 2019 की बात है। इसमें पुरुष एकल विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन, ये आपके भारत के ही है, और उपविजेता रहे हैं यूसो के ओनोडोरा जापान के। फिर आप देखेंगे कोरिया ओपन 2019 एंकिओन दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ है, 24 से 29 सितंबर 2019 की बात है। पुरुष एकल की बात करें तो केंटो मोमोता जापान के हैं, और उपविजेता है चो तेन चेन चीनी ताइपे। सार लो लक्स ओपन 2019 ये जर्मनी में संपन्न हुआ है,
ये आपका अक्टूबर नवंबर 2019 में हुआ है। इसमें विजेता की बात करें, लक्ष्य सेन भारत के रहे, लक्ष्य सेन समझ रहे हैं भारत के, और विजेता बैंग हांग यांग चीन के हैं। तो भारत जिसमें आप देखिए भारत विजेता रहता है, भारत का कोई भी रहता है तो उस नाम आपको याद रखा करिएगा, उस जो भी ओपन हो रहा है, जो भी हो रहा है खेल, उसे भी याद रखा करिएगा। डच ओपन 2019 के बाद लक्ष्य सेन का दूसरा लगातार BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब है। ठीक है, यहां भी आपके पॉइंट है, इन्हें भी देख लेते हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 की बात करें तो बासेल स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है, ये 19 से 25 अगस्त 2020 के मध्य। जापान ने 2 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान यानी कि टॉप पर रहा है। इसमें प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें तो पुरुष एकल में बात करें स्वर्ण पदक केंटो मोमोता जापान, रजत पदक एंडर्स एंटोन एंटोनसेन डेनमार्क, कांस्य पदक बी साई प्रणीत भारत, और कांतापोन वांग चारोवन थाईलैंड की है। ठीक है, महिला एकल की बात करें तो स्वर्ण पदक पीवी सिंधु भारत की है, रजत पदक नोजोमी ओकुहारा जापान की, कांस्य पदक रत्चा नोक एन एंतानोन थाईलैंड, और चैन यू फेई चीन की है। ठीक है, पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। विश्व चैंपियन में यह सिंधु का 5वां पदक है। इसके साथ ही सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में महिला एकल स्पर्धा में संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी बन चुकी है। याद रहे कि सिंधु के अतिरिक्त पूर्व ओलंपिक चैंपियन झांग निंग चीन ने वर्ष 2001 से 2007 के मध्य विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल में 5 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे और 2 कांस्य थे। फिर आपने सुना होगा कि फ्रेंच ओपन भी हुआ है 2019 का, ए पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ है 22 से 27 अक्टूबर 2019 के मध्य। इसमें पुरुष एकल की बात करें तो चैन लांग चीन के विजेता रहे, महिला में बात करें तो एनसी यांग दक्षिण कोरिया के विजेता रहे। पुरुष एकल उप विजेता की बात करें तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के हैं। इसमें उप विजेता पुरुष युगल में दोनों भारत रहे। ठीक है, और फिर आपने सुना होगा दुबई इंटरनेशनल चैलेंज 2019 तो यूएई में हुआ है। इसमें परिणाम की बात करें अगर हम लोग माको उरोशी जाकी जापान के विजेता रहे हैं, और उपविजेता ऋतु पर्णा दास ये भारत की है। ठीक है, भारत की। फिर आप देखेंगे डेन क्या है, डेनमार्क ओपन 2019 ओडेन से डेनमार्क में संपन्न हुआ है, ये आपका 15 से 20 अक्टूबर 2019 की मत। पुरुष एकल में विजेता की बात करें केंटो मोमोता जापान के हैं, और महिला एकल में बात करें तो ताई तिजू यिंग चीन ताइपे की हैं, ये विजेता रही है महिला में। ठीक है, पुरुष में एक केंटो मोमोता। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2019 की बात करें तो कजान रूस में संपन्न हुआ है 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2019 के मध्य। पुरुष एकल यानी कि अंडर 19 की बात करें तो विजेता कुन लाउद बित्ती दर्शन थाईलैंड के हैं, और महिला एकल की बात करें तो इसमें रिको गुणजी जापान के हैं। टीम स्पर्धा की बात करें तो इंडोनेशिया और विजेता रही है चीन। फिर आपने सुना होगा बहरीन इंटरनेशनल सीरीज 2019 तो बहरीन में संपन्न हुई है 9 से 13 अक्टूबर 2019 के बीच हुई है, विजेता रहे प्रियांशु राजावत भारत के हैं। महिला एकल की बात करें तो इसमें आप देखेंगे श्री फातिमा वती इंडोनेशिया की, और ईरा शर्मा भारत की उप विजेता रही है। पुरुष एकल उप विजेता की बात करें तो रोहन कपूर और सौरभ वर्मा दोनों भारत के हैं। मिश्रित युगल विजेता की बात करें तो वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन ये दोनों भी भारत के हैं। ठीक है, फिर आपका अन्नपूर्णा नेपाल इंटरनेशनल सीरीज 2019 नेपाल में संपन्न हुई है 25 से 29 सितंबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें तो पुरुष में विजेता रहे सेंग जोई यो मलेशिया के, और उप विजेता रहे स्वर्णराज बोरा भारत के। महिला की बात करें तो मालविका बंसोद ये भारत की हैं, और उप विजेता रहे गायत्री पुलेला गोपीचंद भारत के हैं। अगर पुरुष युगल में पूछें तो रोहन कपूर और सौरभ वर्मा दोनों भारत के हैं। मिश्रित युगल विजेता की बात करें अगर हम लोग वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन ये दोनों भारत की रही हैं।
आप समझिए कि भारत के कितने अच्छे नाम होते हैं। आप ऐसा होता होगा कि हमारे यहाँ हम लोग सीताराम इस तरह के नाम रख लेते हैं, आसानी से आपको याद भी रहते हैं। मुझे लगता है कि वहां के लोगों बाहरी जो भी है, फिर इंग्लैंड है चाहे अमेरिका है कहीं भी के हो या फिर मुस्लिम देश हैं जो भी, उनके याद रखिए उन्हें उन्हें हमारे नाम याद रखने में हो सकता है परेशानी होती हो, ऐसा हो सकता है। देखिए कह नहीं सकते। मालदीप इंटरनेशनल चैलेंज 2019 भी हुआ है, माले मालदीप में संपन्न हुआ है 24 से 29 सितंबर 2019 को। पुरुष एकल में विजेता की बात करें, कौशल धर्मा धर्मामय ये भारत के हैं और सिरिल वर्मा ये भारत के हैं। उपविजेता भी भारत के हैं और विजेता भी भारत के हैं। पुरुष युगल उपविजेता की बात करो, अरुण जॉर्ज और संयम शुक्ला दोनों भारत के हैं। महिला युगल उपविजेता की बात करें तो अश्विनी बोपन्या बोपन ये और एन सिंकी रेड्डी दोनों भारत के हैं। तो आप कहिए कि एक तरह से मालदीप इंटरनेशनल चैलेंज 2019 में सभी भारतीयों का कब्जा ही रहा है, समझ रहे हैं। पर आपने देखा होगा कि मालदीप इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज 2019 हुई है, ये भी मालदीप में हुई है 17 से 22 सितंबर 2019 के मध्य। इसमें प्रतियोगिता की परिणाम की बात करें रिजल्ट की, तो स्वर्ण पदक कांता वाता लीला वेचावत थाईलैंड के हैं। रजत पदक की बात करें तो केविन अरोकिया वाल्टर भारत के हैं। कांस्य पदक श्रेयांश जायसवाल ये भी भारत के हैं। महिला एकल की बात करें तो मल्लिका माफ करिए मालविका वंसुद ये भारत की हैं और रजत पदक थेट हतार तुजार म्यांमार की हैं। श्रुति मुंदादा ये भारत की हैं। ठीक है, कांस्य पदक मिला है। फिर आपका BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 बासेल स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है 25 से 25 अगस्त 2020 की बात है। चीन 7 स्वर्ण जीते और 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष यानी कि टॉप स्थान पर आया चीन। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो 3 स्वर्ण जीते हैं, 4 रजत 5 कांस्य पदक कुल भारत ने जीते हैं 13। ठीक है, और भारतीय स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो प्रमोद भगत इन्होंने पुरुष एकल SL3 में, मानसी गिरीशचंद जोशी ने महिला एकल SL3, प्रमोद भगत और मनोज सरकार पुरुष युगल में। ठीक है, SL3-4। फिर आपका हैदराबाद ओपन GMC बालियोगी इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में संपन्न हुआ है 6 से 6 से 11 अगस्त 2019 की बात है। प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें तो विजेता रहे सौरभ वर्मा भारत के ही हैं और महिला विजेता की बात करें तो यो जिया मिन सिंगापुर की हैं। और पुरुष युगल विजेता की बात करें तो मोहम्मद सोहिबुल फिकरी ए फिकरी आपकी और बागस मौलाना दोनों इंडोनेशिया के। महिला युगल की बात करें तो बाइक हा ना एवं जंग क्यों इयोन दोनों दक्षिण कोरिया के। उपविजेता की बात करें तो अश्विनी पोपन पोनप्पा और एन सिंकी रेड्डी दोनों ही भारत के हैं। चलते हैं आगे, टेबल टेनिस पर बात करते हैं। टेबल टेनिस से संबंधित जो भी आपकी घटनाएं रही हैं 2019-20 में उन्हें देख लेते हैं। 81वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 हैदराबाद में संपन्न हुई है 27 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के मध्य हुई है। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो टीम स्पर्धा पुरुष वर्ग में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड दिल्ली इसमें उपविजेता रहा है। विजेता आपका पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड रहा है। टीम स्पर्धा महिला वर्ग में रेलवे विजेता रहा है और बंगाल ए उपविजेता है। पुरुष एकल की बात करें तो हरमीत देसाई इसमें विजेता, उपविजेता की बात करें तो मानव ठक्कर। महिला एकल विजेता की बात करें तो इसमें सुतीर्था मुखर्जी इसमें हरियाणा विजेता, उपविजेता कृतिविका सिंघा रॉय इसमें उपविजेता रही है। फिर आप देखेंगे अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग हुई है। अल्टीमेट टेबल टेनिस के तीसरे संस्करण का फाइनल नई दिल्ली में संपन्न हुआ है 11 अगस्त 2020 की बात है। प्रतिभागी टीम 6 रही है, चेन्नई लॉयंस और दबंग दिल्ली TTC और गोवा चैलेंजर्स पुनेरी पल्टन टेबल टेनिस, RPSG मावेरिक्स कोलकाता और यू मुंबा TP, ये सभी 6 टीमों ने भाग लिया है। प्रतियोगी परिणाम की बात करें तो चेन्नई लॉयर्स 8-1 से जीती है और विजेता रहा है दबंग दिल्ली। प्रतियोगिता में पदक पुरस्कारों की बात करें तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की पुरुष में जी साथियान दबंग दिल्ली TTC के और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी महिला में बात करें तो दो होई कैम यू मुंबा। ठीक है, अब शतरंज काफी आप लोग लेख भी लिखते रहते हैं, स्टेटस भी डालते रहते हैं शतरंज के ऊपर खेल पर।
फिर ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020, ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई है 24 जुलाई से 30 अगस्त 2020 की बात है। प्रतिभागी टीमें रही 163, कितनी 163, भारत तथा रूस संयुक्त रूप से विजेता घोषित किए गए हैं। भारत भी किया गया और रूस भी। यह पहला मौका था जब फिडे द्वारा कोई ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। अच्छी बात है, समझ रहे हैं, शतरंज में कोई मतलब आप सोचिए जाने का जरूरत भी तो नहीं है, ऑनलाइन यहीं से होता रहे। फिर आपके मैग्नस कार्लसन चेस टूर 2020, ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता ये भी संपन्न हुई है 9 से 20 अगस्त 2020 की बात है। इसमें विजेता रहे मैग्नस कार्लसन नॉर्वे और उपविजेता रहे हिकाऊ हिकारू नाकामोरा अमेरिका। आगे चलते हैं, हम पृथ्वी और अंतरिक्ष की टीमों के बीच शतरंज प्रतियोगिता हुई है। शतरंज का एक महामुकाबला पृथ्वी और अंतरिक्ष के खिलाड़ियों के बीच खेला गया है 9 जून 2020 की बात है। यह मुकाबला आयोजित रहा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनातोली इवानिसिन और इवान बेगनर और पृथ्वी से ग्रैंड मास्टर सर्जेई कारजाकिन ने प्रतिभाग किया है। यह प्रतियोगिता प्रथम पृथ्वी एवं अंतरिक्ष शतरंज मुकाबले 1970 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई है। यह प्रतियोगिता मॉस्को म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉस्मोस और रूसी शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित की गई है। तो आप समझिए कि अंतरिक्ष और पृथ्वी पर भी अब होने लगे हैं इस तरह के। फिर आपने सुना होगा कि 53वां बीएल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है। 19 से 29 जुलाई 2020 की बात है। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में तो विजेता रहा है राडो स्लाव वोजिता इस जैक पोलैंड और उपविजेता रहा है पी हरिष्कृष्णा भारत। चेस एवल मास्टर्स 2020 तो ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई है 20 जून से 5 जुलाई 2020 की बात है। इसमें प्रतियोगिता में विजेता रहे मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के और उपविजेता रहे अनीस क्री नीदरलैंड के। फिर आप देखें कि जिब्राल्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 तो जिब्राल्टर में संपन्न हुआ है 30 जनवरी 2020 की बात है। मास्टर्स वर्ल्ड की बात करें तो डेविड फराव्यान रूस के और उपविजेता है वांग हो चीन के। फिर आप देखेंगे चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 हुआ है। 12वां संस्करण है, चेन्नई में संपन्न हुआ है। ये 28 से 25 जनवरी 2020 के मध्य हुआ है। विजेता रहे हैं पावेल फोंकरा तो रूस और उपविजेता रहे मार्टिनेज अलकातारा जोस एडुआर्डो पेरू के। फिर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज 2020 भी हुआ है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इन्हें 9 से 16 जनवरी 2020 के मध्य हुआ है। इसमें विजेता रहे अभिजीत गुप्ता भारत के हैं और उपविजेता रहे अलेक्जेंडो बेलारूस के हैं। फिर आप देखेंगे किंग सलमान वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 हुआ है, मॉस्को रूस में संपन्न हुआ है 25 से 30 दिसंबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता के परिणाम की अगर बात करें हम लोग, परिणाम क्या रहा है तो ओपन बर्ग रैपिड स्पर्धा इसमें स्वर्ण पदक मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के और रजत पदक अली रेजा फिरोजा ईरान के हैं। महिला वर्ग में रैपिड स्पर्धा में बात करूं तो स्वर्ण पदक कोनेरू हम्पी भारत की और रजत पदक ली तिंगजी चीन की। ओपन वर्ग बिल्टर्ज में बात करूं अगर स्पर्धा में तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के विजेता रहे यानी कि स्वर्ण पदक मिला इन्हें और रजत पदक की बात करूं तो हिकारू नाकामोरा ये अमेरिका के हैं। महिला वर्ग की बात करें बिल्टर्ज तो इसमें कैटरीना लेगनो रूस को मिला है स्वर्ण पदक और रजत पदक मिला है एन्ना मुजीचुक ये यूक्रेन की है, ठीक है। फिर आप देखेंगे लंदन चेस क्लासिक ओपन टूर्नामेंट 2019 हुआ है, ये लंदन में हुआ है 29 नवंबर से 6 दिसंबर 2019 के मध्य हुआ है। ओपन वर्ग वर्ग में भारत के आर प्राग नंदा 9 में से 7.5 अंक अर्जित कर ऑस्ट्रेलिया के एंटोन स्मर 9 7.5 के साथ संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं यानी कि दोनों को। और ग्रैंड चेस टूर 2019 भी हुआ है, ये लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है।
लंदन में, समझ रहे हैं आप, लंदन लंदन में हुआ है। और 2 दिसंबर से 2 से 8 दिसंबर 2019 के मध्य पाइडाम की अगर बात करें हम लोग, तो विजेता रहे हैं डिंग ले रहे हैं चीन के 43.8 अंक के साथ, और वो विजेता रहे मैक्सिम वाचियर लेग्यो फ्रांस के रहे हैं 36.8 अंक के साथ। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद GCT में 36 अंक प्राप्त कर छठे स्थान पर रहे हैं। काफी आप नाम भी सुनते रहते होंगे विश्वनाथ आनंद का। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रिक्स सीरीज 2019 प्रथम संस्करण रूस में संपन्न हुआ 11 से 22 दिसंबर 2019 के मध्य, और विजेता रही कोनेरू हम्पी भारत की, और उपविजेता रही जू वेनजुन चीन की। तो इन्हें याद रखिए भारत की। अब बात कर लेते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या है? एथलेटिक्स तो 54वां राष्ट्रीय क्रॉस एंड कंट्री चैंपियनशिप 2020 वारंगल तेलंगाना में संपन्न हुआ है 19 जनवरी 2020 को। टीम स्पर्धा की बात कर रखें तो 10 के पुरुष दौड़ में रजत पदक जीता है सर्विसेज ने, और रजत पर रेलवे ने, और कांस्य पदक महाराष्ट्र ने। 10 की महिला दौड़ में बात करूं तो स्वर्ण पदक रेलवे ने, रजत पदक आपका हरियाणा ने, कांस्य पदक आपका महाराष्ट्र ने। ठीक है, ये आपकी कुछ मैराथन रेस है, और पुरुष भी जीता है महिला भी जीता, तो इन्हें भी देख लेते हैं। दुबई मैराथन 2020, तो इसमें पुरुष विजेता में रहे हैं ओलिका एडुगना बिकला, ये इथोपिया की है। महिलाओं की बात करें तो वर्कनेस देगेवा देवेले, ये इथोपिया के हैं। टाटा मुंबई की बात करें, टाटा मुंबई मैराथन 2020 की, तो इसमें देरारा हुरीसा इथोपिया के, और अमाने बेरिसो इथोपिया के हैं। एयरटेल दिल्ली हॉप की बात करें तो इसमें मैराथन 2019 की, तो इसमें एंडा मलक बिलीहू इथोपिया के हैं, और महिला की बात करें तो सेहाय गेमचू इथोपिया के हैं। TCS वर्ल्ड 10 के, इसमें 2019 की बात करें तो एंडा मलक बिलीहू इथोपिया के हैं पुरुष हैं, और महिलाओं की बात करें तो एग्नेस तिरोप केन्या के हैं। और बोस्टन मैराथन 2019 की बात करें तो लोरेंस चिरेनो केन्या के पुरुष हैं, और महिला विजेता की बात करें तो वर्कनेस दिगेफा इथोपिया के हैं। वर्लिन मैराथन 2019 की बात करें तो केने निशा बेकले इथोपिया के हैं, असेते बेकेरे इथोपिया के। सेवोल मैराथन 2019 तो थॉमस कैपला गेट केन्या, और डेसी मोकोनिन बहरीन। शिकागो मैराथन 2019 तो लॉरेंस चेरेनो चेरेनो केन्या, और विक्रेट कोस गई केन्या। टोक्यो मैराथन 2020 की बात करें तो बेरहानो लेगेसे इथोपिया, और लोना है चैमतेई सेल पीटर इजराइल की। TCS न्यूयॉर्क सिटी मैराथन की बात करें 2019 की, तो जेफरी काम बोरर केन्या, और मैं पुरुष में बात कर महिला में बात करूं, ये पुरुष है ये महिला, तो जो जॉय सिलीन जेब कोस गई केन्या की है। पेरिस मैराथन की बात अगर हम लोग करें 2019, तो अब्राहा मिलाव इथोपिया के पुरुष हैं, और महिला विजेता में ग्लेट बुरका इथोपिया की। लंदन मैराथन 2019 की बात करें तो एलियुड कैप चौक चौके केन्या के हैं पुरुष, महिला की बात करें तो बेरी क्रिट कोस गई केन्या की। और पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन 2019 की बात करें तो डाडी सोलोमन टेका इथोपिया, और ई गेचू बेलाइनेस सिफेरा इथोपिया के। मैराथन रेस की बात करें, भारतीय पुरुष विजेता और भारतीय महिला विजेता। न्यू दिल्ली मैराथन 2020 तो रसपाल सिंह सेना और ज्योति शंकर गवते महाराष्ट्र की, ये महिला विजेता में, ये पुरुष विजेता में। टाटा मुंबई मैराथन 2020 तो श्रीनो बुगाथा और सुधा सिंह रही हैं। IDBI फेडरल कोलकाता मैराथन 2020 अवध नारायण यादव और अंजलि सराव योगी। टाटा मुंबई ऑफ मैराथन 2020 तीर्थापुन और पारुल चौधरी। TCS वर्ल्ड 10 की लक्ष्मणन और गोविंदन और पारुल चौधरी। इंदिरा मैराथन बहादुर सिंह सोन धोनी और ज्योति शंकर गावते। एयरटेल दिल्ली हॉप मैराथन 2019 तो श्रीनु बुगाता और सूर्या लोगनाथन। ठीक है, TCS वर्ल्ड 10 के में संजीवनी जालो 0:35:10 के समय के साथ महिला वर्ग भारतीय में विजेता बनी थी, लेकिन उनके डोप टेस्ट में विफल होने के बाद द्वितीय स्थान पर रही पारुल चौधरी को प्रथम स्थान प्राप्त मिला। एक तरह से आप कहिए कि कोई प्रॉब्लम पाई कोई भी आपकी,
तो आपको हटा दिया गया, आपके दूसरे नंबर पर जिसे रखा गया था वो पहले पर पहुंच गया है, तो वो विजेता कहलाया। ठीक है, फिर आपकी 59वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 तो रांची झारखंड में संपन्न हुई है 10 से 13 अक्टूबर 2019 के मध्य। इसमें प्रतियोगिता की परिणाम में रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल चैंपियन रहा है रेलवे 264.5 अंक के साथ, और पुरुष चैंपियनशिप में विजेता रहा है सर्विसेस ये आपका 174 अंक, महिला चैंपियनशिप विजेता रही है रेलवे 219.5 अंक के साथ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट रहा है तेजिंदर पाल सिंह तूर AFI 1176 अंक शॉर्ट पुट के साथ। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बात करें तो दूती चंद उड़ीसा की है 1152 अंक के साथ स्प्रिंट धावकिया। दूती चंद उड़ीसा ने इस प्रतियोगिता में महिलाओं की 100 मीटर एवं 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आप समझ रहे हैं, चलते हैं आगे हम लोग बिलियर्ड्स और स्नूकर स्क्वेश के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 हुई है सी सेफील्ड इंग्लैंड में संपन्न हुई है 11 जुलाई से 16 अगस्त 2020 के मध्य। इसमें विजेता रहे रोनी ओ सुलीवान इंग्लैंड की छठा किताब है इनका, और उपविजेता रहे काइरेन विल्सन इंग्लैंड के। ठीक है, फिर आप देखेंगे सातवां राष्ट्रीय छह रेड्स स्नूकर चैंपियनशिप 2020 तो अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुई है 28 फरवरी से 11 मार्च 2020 के मध्य। इसके परिणाम की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग में पंकज आडवाणी ये विजेता रहे, और विजेता की बात करें तो ईस्पीत सिंह महाराष्ट्र की उपविजेता रही। महिला वर्ग में करें बात तो एमी कमानी मध्य प्रदेश की एमपी वालू, याद रखना एमी कमानी, और उपविजेता विद्या पिल्लई कर्नाटक की। रानी स्नूकर एवं बिलियर्ड्स की बात करें चैंपियनशिप 2020 की तो पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुए 23 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के मध्य। स्नूकर प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो पुरुष में आदित्य मेहता, और उपविजेता की बात करें तो पंकज आडवाणी। महिला वर्ग में बात करें तो विद्या पिल्लई कर्नाटक की, और एमी कमानी उपविजेता रही मध्य प्रदेश की। बिलियर्ड्स में बात करें प्रतियोगिता परिणाम की पुरुष वर्ग में तो पंकज आडवाणी विजेता, सौरभ कोठारी ये आपके उपविजेता। महिलाओं में बात करें तो एमी कमानी मध्य प्रदेश काफी चर्चा में आ रही है, और उपविजेता कीरत मंडाल ठीक है दिल्ली की है दिल्ली। अब है फार्मूला 1 2020, इसमें ऑस्ट्रेलियन की बात करें ग्रैंड पिक्स हो गया विजेता हो गया टीम हो गई, तो ऑस्ट्रेलियन वाल्टेरी बुट्टास फिनलैंड विजेता रहे मर्सिडीज टीम, ऑस्ट्रियन लुईस हैमिल्टन यूके के मर्सिडीज में, हंगेरियन लुईस हैमिल्टन यूके मर्सिडीज में, ब्रिटिश लुईस हैमिल्टन यूके मर्सिडीज, स्पेनिश लुईस हैमिल्टन यूके मर्सिडीज, और बेल्जियम लुईस हैमिल्टन यूके मर्सिडीज। एक बात याद रखिए ऑस्ट्रेलियन केवल वाल्टेरी बुट्टास फिनलैंड ने जीता है, और बाकी आपकी सभी लुईस हैमिल्टन यूके ने, ऑस्ट्रियन हो गया हंगेरियन ब्रिटिश स्पेनिश बेल्जियम ये सभी लुईस हैमिल्टन ने जीते हैं। लुईस हैमिल्टन वर्ष 2019 में संपन्न 21 रेसों में से 11 में जीत दर्ज कर कुल 413 अंक प्राप्त कर फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के विजेता बने हैं। 9 अगस्त 2020 को यूके में आयोजित 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्ष टफेन टीम रेड बुल रेसिंग होंडा ने जीती थी। फिर आप देखें क्लियोलैंड क्लासिक स्क्वेश चैंपियनशिप 2019 तो इसमें क्लीवलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुई 30 जनवरी से 3 फरवरी 2020 के मध्य। विजेता राय नूर एल तेयम मिस्र के हैं, और उपविजेता राय सराय जैन पेरी इंग्लैंड के। फिर आप देखेंगे महिला छह रेड्स स्नूकर विश्व कप 2020 तो दोहा कतर में संपन्न हुआ है 1 मार्च 2020 की बात है। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो नुत चरत बोंग बोंग बोग रुथाई थाईलैंड के, और उपविजेता की बात करें डायना स्टेट किजनी जर्मनी की। फिर आप देखेंगे जेपी मॉर्गन स्क्वेश ये आप देख टूर्नामेंट ऑफ चैंपियनशिप न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ है 9 से 17 जनवरी 2020 के मध्य। पुरुष वर्ग में विजेता रहे मोहम्मद अल सोर वगी मिस्र के हैं, महिला वर्ग में विजेता रही है कैमिले सेरमी फ्रांस की है। फिर आप देखेंगे रेवेंटन मास्टर्स स्नूकर 2019 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है 6 दिसंबर से 8 दिसंबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो सौरभ कोठारी अच्छी बात है कि सौरभ कोठारी यानी कि भारतीय जीते हैं, और जॉन एंगर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। याद रहे कि सौरभ ऑस्ट्रेलियाई बिलियर्ड्स एवं स्नूकर परिषद की प्रीमियर स्नूकर प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, सौरभ कोठारी। IBSF टीम स्नूकर चैंपियनशिप 2019
तो म्यांमार में संपन्न हुआ है 25 सितंबर 2019 के मध्य। अगर रिजल्ट की बात करें तो इसमें थाईलैंड विजेता रहा है, भारत एक उप विजेता रहा है, और पुरुष वर्ग में बात करें तो भारत एक विजेता रहा है और थाईलैंड दूसरे नंबर पर रहा है, ठीक है, उप विजेता थाईलैंड, थाईलैंड दो। महिला वर्ग की बात करें तो चीन विजेता रहा है, थाईलैंड, थाईलैंड क्या रहा है, उप विजेता। पुरुष वर्ग में भारत एक की ओर से पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता शामिल थे। फिर आप देखेंगे WPBSA विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई है 8 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें तो लांग यूपी पेरू, इसमें विजेता पीटर गिलक्रिस्ट सिंगापुर 1300 अंक के साथ इनका चौथा राष्ट्र खिताब है। उपविजेता की बात करें तो सौरभ कोठारी भारत के हैं, 967 अंक प्राप्त किए हैं। IBSF6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप म्यांमार में संपन्न हुआ है 16 से 21 सितंबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो पुरुष में लक्ष्मण रावत भारत के हैं, उपविजेता मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के। महिला वर्ग की बात करें तो नुत चरत बोंद रुथाई थाईलैंड के हैं, और उपविजेता एमी कमानी भारत के हैं। IBSF की बात करें तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 की तो म्यांमार में संपन्न हुई है 12 से 15 सितंबर 2019 के बाद। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो 150 यूपी पेरू में बात करें तो इसमें विजेता पंकज आडवाणी भारत के हैं और नाये थे वो म्यांमार के हैं। उल्लेखनीय है कि ये पंकज का 22वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है, ठीक है। ये आपके लिए डेयर्स स्नूकर और स्क्वेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2019 और विजेता ACBS 6 रेड स्नूकर चैंपियन आमिर सरको खोस ईरान के हैं। 35वीं एशियन स्नूकर चैंपियनशिप पंकज आडवाणी भारत के हैं। एशियन जूनियर स्क्वेस व्यक्तिगत चैंपियनशिप वीर चौतरानी भारत के, और U19 बालक वर्ग में इन्होंने जीता है। 37वीं ओपन महेश मनगांवकर भारत के हैं। इंडियन ओपन स्नूकर टूर्नामेंट मैथ्यू सेल्ट इंग्लैंड ने जीता है। ACBS टीम स्नूकर चैंपियनशिप विजेता रहा है पाकिस्तान सेकंड, और उपविजेता है भारत फर्स्ट। पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 तो विजेता रहा है पीटर गिलक्रिस्ट सिंगापुर, उपविजेता रहे सौरभ कोठारी भारत के। राष्ट्रीय मास्टर्स स्नूकर 2019 में हुआ है चैंपियनशिप तो विजेता अनुज उप्पल रेलवे, और उपविजेता रफत हबीब हबीब रेलवे। ये आपके 2020 की महत्वपूर्ण गोल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट का परिणाम भी है। चैंपियनशिप टूर्नामेंट हो गया विजेता AIG महिला ओपन 2020 तो राडो स्लाव बोच दा जेक पोलैंड के विजेता रहे हैं। BMW चैंपियनशिप जॉन स्पेन राम, दी नॉर्दर्न टेस्ट डस्टिन जॉनसन अमेरिका के विजेता रहे। विंडहैम चैंपियनशिप जिम हारमैन अमेरिका के। PGA चैंपियनशिप कोलिन मोरिकावा अमेरिका के। बराक्यूडा चैंपियनशिप रिची वरेंसकी अमेरिका के। WGC फेडएक्स सेंट जूड आमंत्रण जस्टिन थॉमस अमेरिका के। 3M ओपन माइकल थॉमसन अमेरिका के। द मेमोरियल टूर्नामेंट जॉन रैम स्पेन के। ट्रेवलर्स चैंपियनशिप डस्टिन डस्टिन जॉनसन अमेरिका के। RBC हेरिटेज वेव सैमसन अमेरिका के। द होंडा क्लासिक एम सोंग जी दक्षिण कोरिया के। WGC मेक्सिको चैंपियनशिप पैट्रिक रीड अमेरिका के। फॉर्मर्स इंश्योरेंस ओपन मार्क लीसमैन ऑस्ट्रेलिया के। सोनी ओपन कैमरून स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। सेंटरी टूर्नामेंट ऑफ चैंपियनशिप डस्टिन थॉमस अमेरिका। गोलकुंडा मास्टर्स उदयन माने भारत। टाटा स्टील PGTI प्लेयर्स चैंपियनशिप उदयन माने भारत। बंगाल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप आदिल वेदी भारत। आप लोग देखते होंगे कि जब भारत का किसी का नाम आता है तो बड़ी खुशी होती है, नहीं होती है। अब विविध हैं कुछ आपके इससे पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया है। 14 अगस्त 2020 की बात है। यह देशव्यापी दौड़ सरकार की मेजबानी और निजी संगठनों की भागीदारी के साथ शुरू हुआ है। यह फ्रीडम रन 15 अगस्त 2020 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक संचालित होगी। इस दौड़ में सीमा सुरक्षा बल और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ साथ भारतीय रेलवे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ICSE बोर्ड के विद्यालय भी प्रतिभाग करेंगे।
इसका उद्देश्य देश की जनता के मध्य फिटनेस फिटनेस को बढ़ावा देना है। फिर आप देखेंगे 500वीं दौड़ में नया कीर्तिमान, मोनाको में आयोजित डायमंड लीग मीट में युगांडा के धावक जो सुबह चेप्टेगेई ने 5000 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 14 अगस्त 2020 की खबर है। चेप्टेगेई ने यह दौड़ 12 ये आपका क्या 12:35.6 में पूरी की है, ठीक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड इथियोपिया के महान धावक केनेनिसा बेकिल के नाम था, जिन्होंने वर्ष 2004 में 5000 मीटर की दौड़ 12 आपका देखेंगे आप लोग 12:37.35 में पूरी की है इन्होंने, ठीक है। 5 किलोमीटर मीटर इतना ही तो है, 5000 मीटर यानी कि कितना हो गया 5 किलोमीटर। चलिए अच्छी बात है, 12 मिनट कितने सेकंड। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौथे खेलो युवा खेलों का आयोजन हरियाणा में किए जाने की घोषणा की है। 25 जुलाई 2020 की बात है। इन खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। चौथे खेलो इंडिया है, ठीक है, स्टार स्पोर्ट खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे संस्करण का आधिकारिक प्रसारण भागीदार होगा। फिट इंडिया तो हिट इंडिया, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं खेल एवं युवा मामले मंत्री किरेन रिजिजू ने स्कूली छात्रों हेतु फिट इंडिया अभियान के तहत फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है। 3 जुलाई 2020 की बात है। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस वेबिनार में रिजिजू ने बताया कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो वर्तमान में सीनियर एथलीटों के लिए चल रही है, से की जूनियर एथलीटों हेतु भी संचालित की जाएगी। फिर आपने देखा है नाडा का ऐप लॉन्च हुआ है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने अपने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। 30 जून 2020 की खबर है। यह ऐप एथलीटों को निषिद्ध पदार्थों और डोप परीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से जानकारी उपलब्ध कराएगा। खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर के 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और खेल प्रशिक्षकों के लिए 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। 2 जून 2020 की बात है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में विकसित करना है। फिर आप देखेंगे खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है जून 2020 में। इसके तहत पहले चरण में मंत्रालय द्वारा 8 राज्यों कर्नाटक उड़ीसा केरल तेलंगाना अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम नागालैंड में राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधा परिसर को खेल इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन परिसरों की स्थापना ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर करने के उद्देश्य की जा रही है। एक समय आप लोग सुनते होंगे कि खेलोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, पता नहीं क्या रहता था, आप लोगों की पूरी मालिक होगी शायद नीचे लिखी है आपको अगर मालूम हो तो। कहने का मतलब रहता था कि क्या अगर आप खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, पढ़ोगे तो नवाब बन जाओगे, इस तरह की कोई कहावत थी। आज उल्टा हो जा रहा है, आज आप लोग देख रहे हैं जो पढ़ रहा है वो पढ़ता ही रह जा रहा है, जो खेल रहा है वो नाम कर जा रहा है। तो इसलिए तो कहता हूं जो करिए मन से करिए, ठीक है। ISSF विश्व कप शॉटगन 2020 का पहला चरण साइप्रस में संपन्न हुआ है 4 से 13 मार्च 2020 की। मत जर्मनी ने 108 दो रजत पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष यानी कि टॉप स्थान प्राप्त किया है। और पदक तालिका में रूस 100 और 1 कांस्य पदक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर आए। क्रोएशिया मात्र 100 पदक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर आए। फिर आप देखेंगे 64वां बॉक्स काई ईस्टवान मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट ये हंगरी में संपन्न हुआ है 2 से 7 फरवरी 2020 के बाद। भारत ने इस टूर्नामेंट में 4 रजत 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक प्राप्त किए। पदक भारतीय पदक प्राप्तकर्ता रजत पदक गौरव चौहान 91 किलोग्राम भार वर्ग में, ज्योति गुलिया 51 किलोग्राम भार में, मनीषा 57 किलोग्राम भार में, लीथा प्रसाद पोलीपली 52 किलोग्राम भार में कांस्य पदक, सचिन
57 किलोग्राम भार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 तो ये गुवाहाटी असम में संपन्न हुए हैं, 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य हुए हैं। और प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य पदक सहित कुल 256 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है। हरियाणा 68 स्वर्ण, 60 रजत और 72 कांस्य पदकों सहित कुल 200 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आया। दिल्ली 39 स्वर्ण, 36 रजत, 47 कांस्य पदक के साथ कुल 122 पदक प्राप्त कर तालिका में तीसरे स्थान पर आए। और मेजबान असम की बात करें तो 20 स्वर्ण, 20 रजत, 36 कांस्य पदक सहित कुल 76 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में सातवें स्थान पर आया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में दो नई खेल स्पर्धाएं साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को भी शामिल किया गया। इन्हें भी याद रखिए, साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 29 स्वर्ण, 28 रजत और 30 कांस्य पदक विजेता में कुल 87 पदक प्राप्त कर तालिका में पांचवें स्थान पर आया। तो महाराष्ट्र टॉप पर और अपने उत्तर प्रदेश को याद रखिए आप लोग किस नंबर पर, पांचवे पर। आप देखेंगे मैटन कप 2020 निशानेबाजी ऑस्ट्रिया में संपन्न हुआ है 18 से 22 जनवरी 2020 के बाद। प्रमुख प्रतियोगिता की बात करें 10 मीटर एयर राइफल महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है अपूर्वी चंदेला भारत की बात करें। 10 मीटर एयर राइफल्स में पुरुष वर्ग में तो दिव्यांश सिंह पनवार ये भी भारत के हैं, तो आप समझिए भारत इसमें भी टॉप रहा। रोम रैंकिंग सीरीज रोम इटली में संपन्न हुई है 15 से 18 जनवरी 2020 की बात है। भारत ने इसमें प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल में, रवि कुमार 61 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल में, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग महिला स्पर्धा में और गुरप्रीत सिंह 82 किलोग्राम भार वर्ग ग्रेको रोमन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने देखा है कि 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग फाइनल राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप हुई है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 7 दिसंबर 2019 को से 4 जनवरी 2020 के मध्य चली है। परिणाम क्या रहा है तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता है और सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांश सिंह परवार राजस्थान के। महिला वर्ग की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है मनु भाकर हरियाणा की है। 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक विजेता है जीना खिट्टा ये हिमाचल प्रदेश की है। वाडा द्वारा रूसी एथलीटों पर 4 वर्ष तक प्रतिबंध लगा है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की कार्यकारी समिति की बैठक में लुसाने स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई 9 दिसंबर 2019 की खबर है। इस बैठक में वाडा की 12 सदस्यीय कार्यकारी समिति ने स्वतंत्र अनुपालन समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए रूस पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद रूस अब अगले ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन ओलंपिक खेलों सहित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2020-2022 में भी प्रतिभाग नहीं कर पाएगा। वह प्रतिबंध रूस द्वारा डोपिंग परीक्षणों से छेड़छाड़ किए आरोप में लगाया गया है। 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में हुई है, ये बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुई है 22 से 28 नवंबर 2019 के मध्य। दक्षिण कोरिया 9 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक प्राप्त कर तालिका में टॉप पर रहा है, यानी कि पहले नंबर पर। भारतीय तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी महासंघ के निलंबन के कारण ओलंपिक एथलीटों के रूप में प्रतियोगिता में भाग लिया है। भारत ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। भारतीय अगर स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो स्वर्ण पदक विजेता कंपाउंड मिश्रित टीम अभिषेक वर्मा और ज्योति और सुरेखा बिन्नन ने प्राप्त किया। रग्बी विश्व कप 2019 तो 9वां संस्करण जापान की मेजबानी में संपन्न हुआ है 20 सितंबर से 2 नवंबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा, तीसरा खिताब है इसका। रजत पदक उपविजेता रहे इंग्लैंड। प्रो कबड्डी लीग 2019 तो 7वां संस्करण का फाइनल अहमदाबाद में संपन्न हुआ है 19 अक्टूबर 2019 को मध्य अहमदाबाद में। ठीक है, और विजेता की बात करें तो बंगाल वॉरियर्स पहला खिताब इसका और दबंग दिल्ली दूसरे नंबर पर यानी कि उपविजेता रहा है। टूर्नामेंट में पिता पुरस्कार की बात करें तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नवीन कुमार नई दबंग दिल्ली के हैं। सर्वश्रेष्ठ रेडर पवन कुमार सहरावत बेंगलुरु बुल्स के हैं। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर फजल अत्राचली एयू मुंबई के हैं। फिर आप देखेंगे AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 हुआ है, ये
उलान उद्रे रूस में संपन्न हुआ है 3 से 13 अक्टूबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता में मेजबान रूस 3 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य पदकों सहित कुल 6 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पहले नंबर पर आया। भारत 1 रजत 3 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीतकर इस तालिका में 9वें स्थान पर आया। भारत की स्थिति याद रखिए, 9वें स्थान पर। भारत की ओर से फ्लाईवेट वर्ग में मैरीकॉम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इसी के साथ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक 8 पदक जीतने वाली विश्व की पहली मुक्केबाजी बन गई है। याद रहे कि मैरी रिकॉर्ड 6 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली विश्व की एकमात्र महिला मुक्केबाजी है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप 6 बार। भारत की ओर से एकमात्र रजत पदक लाइट फ्लाईवेट वर्ग में मंजू रानी ने जीता है। फिर आपने देखा होगा कि ASBC एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 तो ये खुजे राय संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुई, अक्टूबर 2019 की बात है। उज्बेकिस्तान ने 8 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक प्राप्त कर पहले नंबर पर प्राप्त किया शीर्ष। और भारत की बात करें तो 6 स्वर्ण 9 रजत 6 कांस्य पदकों सहित इसने 21 पदक जीते हैं प्राप्त कर पदक तालिका में 2रे स्थान पर आया। अब देखिए यहाँ याद रखिए, इसने उज्बेकिस्तान ने 20 स्वर्ण जीते हैं, मतलब 20 टोटल पदक जीते हैं, हमने 21 जीते हैं, लेकिन हम लोग 2रे स्थान पर हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए हमेशा काउंटिंग आपकी इस तरफ से होती है, स्वर्ण पदक, जो ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है उससे पहले नंबर, उससे मतलब टॉपर रखा जाता है। तो इसने 8 जीते इसलिए टॉप इसे मिल गया और हमें 2रे नंबर पर। फिर आप देखेंगे एशियाई आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप 2019 तो 10वां संस्करण बेंगलुरु भारत में संपन्न हुआ है 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता में स्विमिंग, ड्राइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग और वाटर पोलो जैसे 4 प्रकार के खेल शामिल थे। भारत ने प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 स्वर्ण 24 रजत और 21 कांस्य पदकों सहित कुल 65 पदक प्राप्त किए। वाटर पोलो में जापान ने महिला और पुरुष दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 2022 में बीजिंग ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों का शुभंकर, बीजिंग ओलंपिक आयोजन समिति ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की शुभंकर लॉन्च किए 17 सितंबर 2019 को। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के शुभंकर का एक हंसमुख पांडा है जिसे बिंग डेन डेन नाम दिया गया है। इसे याद रखिए, ये 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर है। ठीक है, और बिंग चीन में बर्फ को कहा जाता है तथा यह शक्ति एवं पवित्रता का प्रतीक भी है, जबकि ड्वेन ड्वेन चीन में पिछले बच्चों के नाम है। बीजिंग में वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का शुभांकर लाल रंग की लालटेन की शक्ल वाला बच्चा है जिसे सुए रोहन रोहन नाम दिया गया है। ठीक है, 20वीं एशियाई पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2019 हुई है, ईरान में संपन्न हुई है 13 से 21 सितंबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है ईरान ने, 3रा खिताब है ईरान का। रजत पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, कांस्य पदक भारत जापान ने। भारत का अंक तालिका में स्थान रहा है 8वां, किस नंबर का है? 8वां रहा है भारत का, 8वें नंबर पर। समझ रहे हैं आप लोग? सर्वाधिक मूलवान खिलाड़ी की बात करें तो थॉमस एडगर ऑस्ट्रेलिया। आप समझिए कि इतने व्यस्त हो जाते हैं कभी कभी कि हम लोग भूल जाते हैं कि लैपटॉप की बैटरी लो हो चुकी है। विश्व भारतोलन चैंपियनशिप 2019 की बात करें तो पट्टाया थाईलैंड में संपन्न हुआ है 18 से 27 सितंबर 2019 के बाद। कुल 97 देशों के 588 एथलीट्स इस चैंपियनशिप में शामिल हुए हैं। ईरान ने पहली बार अपनी महिला टीम को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु भेजा है ईरान ने। ठीक है, ओवरऑल पदक तालिका में चीन 29 स्वर्ण 14 रजत और 10 कांस्य पदकों से कुल 53 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है। भारत ने 10 भारोत्तोलकों का एक दल इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु भेजा है, किंतु उनमें से कोई भी पदक हासिल नहीं कर सका है। अगली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में लीमा पेरू में किया जाएगा। तो 21 में अब कहाँ होगा? लीमा पेरू में। देखिए बहुत बड़ा एक तरह से भार था मेरे ऊपर ये बुक्स खत्म करने का। ये बुक्स खत्म होने के बाद एक तरह से बहुत छुट्टी मिल गई है, पूरा एक तरह से समय इसी को दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? एक बहुत बड़ा भार उतर चुका है मेरे ऊपर से, अब भार आप लोगों के ऊपर है कि आप पढ़िए। FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2019 चीन में संपन्न हुआ है 13 से 15 सितंबर 2019 के मध्य। प्रतिभागी टीमें रही 32 चार कन्फेडरेशन की। परिणाम की बात करें तो स्पेन 2रा खिताब इसका, स्पेन का विजेता रहा है और विजेता अर्जेंटीना। टूर्नामेंट का सबसे मूलवान खिलाड़ी की बात करें तो रिकी रूबियो स्पेन की है।
पर आप देखेंगे 73वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2019 हुई है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। 31 अगस्त से 4 सितंबर 2019 के बाद कर्नाटक ने 14 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष यानी कि टॉप स्थान पर रहे हैं। 4 स्वर्ण पदक जीतने वाला कर्नाटक के श्री हरि नटराज को पुरुष में और 2 स्वर्ण 1 रजत जीतने वाली हरियाणा की शिबानी कटारियों को महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो शिबानी महिलाओं में और श्री हरि नटराज को पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। अब देखेंगे फीवा यानी कि FIBA महिला एशिया कप 2019, तो यह बास्केटबॉल प्रतियोगिता बंगलोर भारत में संपन्न हुई है 24 से 29 सितंबर 2019 के मध्य। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो स्वर्ण पदक जापान ने, रजत पदक चीन ने, कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की बात करें तो नाको मोतोहाशी जापान के। पदक तालिका में मेजबान भारत अंतिम स्थान यानी कि 8वां स्थान रहा है, हम लोगों ने नीचे से टॉप किया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 तो एकातेरिन वर्ग रूस में संपन्न हुआ है 9 से 21 सितंबर 2019 की बात है। उज्बेकिस्तान 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने प्रतियोगिता में 1 रजत 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। भारतीय पदक प्राप्तकर्ता मुक्केबाज की बात करें तो रमित रजत पदक, अमित पंघल फ्लाईवेट 48 से 52 किलोग्राम भार वर्ग में, कांस्य पदक की बात करें तो मनीष कौशिक लाइट वेट 57 से 63 किलोग्राम भार वर्ग में। याद रहे कि अमित पंघल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज भी है। इस प्रतियोगिता के अगले संस्करण का आयोजन वर्ष 2021 में भारत में किया जाएगा। अच्छी बात है कि देखिए याद रखिए 21 दो अगला संस्करण कहाँ होगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 हुआ है उसके बाद अब 21 में होगा आपका भारत में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ है 14 सितंबर से 20 सितंबर 2019 के बाद। रूस ने 9 स्वर्ण 5 रजत 5 कांस्य पदकों सहित कुल 19 पदक प्राप्त किए और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत प्रतियोगिता में 1 रजत 1 4 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक प्राप्त कर 17वें स्थान पर रहा है, हम लोग 17वें स्थान पर। भारतीय रजत पदक प्राप्तकर्ता पहलवान की बात करें तो दीपक पूनिया है 86 किलोग्राम भार में। फिर आप देखेंगे विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 तो ये मैड्रिड स्पेन में हुई है 19 से 25 अगस्त 2020 के मध्य हुई है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता है। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो कोमलिका बारी रिकारो कैडेट महिला वर्ग में, मार्को रागनी और सुखवीर सिंह कंपाउंड जूनियर मिश्रित वर्ग में स्पर्धा में जीता है। इस स्वर्ण के साथ 17 वर्षीय कोमलिका रिकारो कैडेट अंडर 18 वर्ग विश्व चैंपियन से बनने वाली दूसरी भारतीय तीरंदाजी बनी है। याद रही कोमलिका से पहले दीपिका कुमारी ने 2009 में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो यहां जाके आपकी कहानी खत्म होती है और जो समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक है ये दृष्टि निकलता है ये कंप्लीट होती है। आपका पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग खत्म कर चुके हैं, आपका विधिक परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष, संक्षिप्तियां, खेल परिदृश्य, और आपका पहले आपका जो भी रिवीजन के लिए आपका GS था उसे भी कंप्लीट कर चुके हैं, NCERT भी कंप्लीट हो गई है, आपका और भी जितनी बुक्स अगर फिर भी कोई बचती है, कंप्यूटर के लिए काफ़ी मटेरियल दे चुका हूँ, MPPCS के लिए आपका है काफ़ी दे चुका हूँ, UPPCS के लिए काफ़ी, और फिर भी आपको लगता है कि कहीं छूटा है, कहीं आपके पास कमी है, कोई आपको कमी है तो आप लोग बताइए, भाभी हमारी कोशिश रहेगी कि वो भी आपको पूरा करवा दिया जाए। GS और GK में तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं जाना, किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत है। जो भी हो अगर कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है, देखिए ये हाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी पढ़ाया गया है। अगर आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज करके जीमेल पर, फेसबुक पर, आप पेज पर, जहां भी आपको सब अच्छा लगे बताइए, वो भी सब आपकी कोई समस्या नहीं बचेगी, सबका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो बताना आप जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों की।